बड़हलगंज थाना क्षेत्र के राप्ती नदी में रविवार को नाव पलटने से दो व्यक्तियों की डूबने से मौत हो गई, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को बड़हलगंज में नाव पलटने से दो व्यक्तियों की डूबकर मौत हो गई, जबकि लोगों को बार बार समझाया गया है कि लोग छोटी नाव से जा रहे हैं, इसलिए कोई भी नागरिक नदी में ना जाए। बाढ़ में डूबे हुए व्यक्तियों के परिजनों को जिला प्रशासन के द्वारा 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाया जा रहा है, शाम तक उनके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं, प्रभारी अधिकारी आपदा हूं। बड़े दुख की बात है कि बार बार सूचना देने के बावजूद लोग नदियों में प्रवेश कर जा रहे हैं, छोटी नावों से प्रवेश कर जा रहे हैं। ऐसे लोगों से अनुरोध है कि अगले 3-4 दिन तक लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता रहेगा और कोई भी दुर्घटना हो सकती है। गोला क्षेत्र के बड़हलगंज क्षेत्र में जो दुर्घटना हुई थी कल, उनका आज प्रति व्यक्ति के हिसाब से 4 लाख रुपए का राहत वितरण करा दिया गया है। सायंकाल तक उनके खाते में, जो गोरखपुर के हैं, सायंकाल तक उनके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। और दूसरे व्यक्ति जो देवरिया के हैं, उनके वारिसान अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, उनका चेक बन करके उनके पास चला जाएगा और जो उनके वारिसान होंगे उनको पैसा वितरित हो जाएगा। धन्यवाद।